गाइस इस प्लॉट का फ्रंट आपको 30 फीट का मिलेगा और 70 की डेप्थ जाएगी इसमें। 233 स्क्वायर यार्ड का ये लैंड होता है। 233 2100 स्क्वायर फीट हुआ। तो ये आगे आपका मेन रोड से आप कितनी दूर है, मैं आपको मेन रोड दिखाता हूँ। वो देखिए, वो जंगल के किनारे में मेन रोड है। वहाँ से आप सीधा आएंगे, ये रोड आ रही है सीधी 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 सीधी, और यहाँ से ये किसी और की ज़मीन है। बस यहाँ से आपको प्लॉट मिल जाएगा 30x70 का। सो गाइस आगे चलते हैं और आगे आपको एक 400 गज का प्लॉट दिखाते हैं उस वाली मेन रोड पे। जी हाँ, वो प्लॉट आपको कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, रेजिडेंशियल, और आपने होटल बनाना है, कैफ़े बनाना है, हॉस्टल बनाना है, आपके सारे काम आने वाला है। क्योंकि बगल में कॉलेज भी है और रोड ये इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे कैफ़े भी अच्छे चलते हैं और होटल्स भी चलेंगे, रेस्टोरेंट बना सकते हैं आप और गेस्ट हाउस बना सकते हैं। तो काफ़ी जो उस प्लॉट में आपको मिलेगा, काफ़ी काम उसमें खोल सकते हैं आप। रेजिडेंशियल बनाते हैं, बढ़िया कोठी बनाते हैं। 400 गज का प्लॉट है, मज़ा ही आ जाएगा कोठी में। और मेन रोड पर है और R3 में है, जोन भी उसका R3 है। ये वाली जो प्लॉट हमने पीछे दिखाया था, इसका एग्रीकल्चर का जोन है। ये आप इसका नक्शा जो है MDD से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्राम प्रधान से इसमें पास करा सकते हैं। लोनेबल प्रॉपर्टी है दोनों। उस वाले प्लॉट में क्योंकि मेन रोड का है तो उसमें MDDA का मैप ज़रूरी चाहिए। तो अभी हम लोग इसी रोड पे आगे निकल जाएंगे अस्थल की तरफ में।